हेलो दोस्तों, रसोई की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ हरे धनिये की चटनी। हरे धनिये की चटनी बनाने के लिए एक बाउल मैंने धनिया लिया है, वो काट के अच्छे से 3 से 4 बार धो के तैयार किया हुआ है। 3 से 4 हरी मिर्च, मूंगफली, लहसुन, जीरा, नमक, शक्कर और नींबू का रस लिया है। अब चटनी कैसे बनाते हैं वो बताओगे। उसके लिए एक मिक्सर का जार लीजिए, उसमें हरा धनिया डालिए, अच्छे से धोया और धो के 3 से 4 बार और अच्छे से काट लिए। उसे 3 हरी मिर्च ली है, मूंगफली ली है 2 चम्मच जैसी, लहसुन की कलियां 20 से 25 ली है वो डालेंगे, जीरा 1 चम्मच जीरा लेना है, स्वाद के अनुसार नमक लेना है, शक्कर 1 चम्मच जैसी लेनी है और 3 चम्मच नींबू का रस लेना है। नींबू के रस से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है चटनी में। अब 1 गिलास पानी में मैंने 1/2 गिलास पानी डाला है और अच्छे से पीस लेना है। अब आधा ग्लास से थोड़ा कम पानी डालेंगे और वापस पीस लेंगे अच्छे से, ताकि पूरा पानी और चटनी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये चटनी अच्छे से पीस के तैयार हो गई है, उसे सर्व करेंगे। आप ये चटनी बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं, जैसे कि पराठा, आलू पराठा, रोटी, इडली, डोसा, समोसे, बहुत सारी चीज़ों के साथ ये खाई जा सकती है। आपको जिसके भी साथ चटनी खाना पसंद हो उसके साथ खा सकते हैं, ये हेल्दी और पौष्टिक भी है। मेरी और भी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल रसोई की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।